हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब संभावित कट ऑफ क्या होने की संभावना है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने सभी जितने भी मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है वो सभी करीब 300-400 लड़कों से पूछकर एक अनुमानित कट ऑफ को मैंने यहाँ पर लिया है। तो और यहाँ पर मैंने सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग मैंने कट ऑफ बनाया है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, वीडियो का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम आप जान रहे हैं कि 300 नंबर का था, और जिनमें से पेपर बहुत आप जान ही रहे हैं कि 22 और 23 तारीख को पेपर हुआ, और उसमें बहुत टफ पेपर पूछा गया था। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। ख़ास तौर से 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर आया था वो तीनों मतलब कि दोनों दिन में सबसे ज़्यादा टफ आया हुआ था। उसके अलावा 21-22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा बहुत टफ था। तो उस तरह से कई लोगों से बात करने के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाया है। और ये चूँकि ये बिना नॉर्मलाइजेशन का है, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है इस पर तो इसकी कट ऑफ और जाने की संभावना है। ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर देखें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 190 से 210 के बीच में रहेगी। और चूंकि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की कट ऑफ रहेगी 180 से 192 के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद ओबीसी वालों की देखते हैं। तो ओबीसी वालों पर यहाँ देखिए, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं रहने वाली है जनरल कैटेगरी से, तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ 180 से 195 जाएगी। या फिर ऐसा नहीं है कि ये इतना ही रहे, हो सकता है 2-4-5 नंबर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें प्लस माइनस फाइव आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अगर इतने के आसपास भी अगर आपका नंबर है तो आप खुद को सेफ समझिए, क्योंकि डरने की बात नहीं है, आप क्वालिफाई हो सकते हैं। और इसमें ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो ओबीसी वालों में जो गर्ल्स हैं उनकी 175 से 187 जाने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में देखिए 168 से 180 जाने की संभावना है कट ऑफ। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कैंडिडेट में 160 से 172 जाने की संभावना है। और देखिए, यहाँ पर पेपर काफ़ी टफ था, इसलिए उन सभी को देखते हुए एक एवरेज मैं यहाँ निकाल कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑफिशियल कट ऑफ से अंतर पड़ सकता है। और यहाँ देखिए एसटी कट में आपका देखिए कि किसका मतलब कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है। तो एसटी में देखते हैं तो ये 160 से 169 जाने की संभावना है, और गर्ल्स वालों की 155 से 164 जाने की संभावना है। अब बात करते हैं पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एवं स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो इन सभी का एक एवरेज निकाला गया है, जो कि कट ऑफ का वो 165 से 180 के बीच में जाने की संभावना है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पेपर इस बार जैसा वीडियो का आया है उसी टाइप से आप लोगों का भी पेपर बहुत टफ आने वाला है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और हिंदी तो ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, उसके अलावा जो रीजनिंग पूछा जाएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम्स से मतलब कि मेरिट निर्धारित करेगा, और उसी से ज़्यादा लोग छटेंगे, या फिर जिनका अच्छा रहेगा रीजनिंग लेवल अच्छा रहेगा तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात ये बताना है कि जूनियर असिस्टेंट का इंटरव्यू का मैंने बहुत सारा वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है। तो आप लोग जिनका जूनियर असिस्टेंट का है तो वो लोग इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो भी देख लें एक बार, क्योंकि उनसे कुछ आपको प्रॉफिट हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना न भूलें, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।